नमस्कार दोस्तों, विवेक केवल किल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मेरा यूट्यूब चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। ये सफ़र शुरू हुआ था 2 जनवरी 2021 में और 1 साल 4 महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आई वॉज ट्रेवलिंग अ लॉट, बहुत ट्रैवल किया मैंने लाइफ में, लेकिन एक यूट्यूब चैनल मैं बनाऊंगा और उसमें इतने वीडियोस अपलोड करूंगा, अपनी ट्रैवल ट्रेल्स छोड़ता हुआ जाऊंगा, ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ इसी तरह के लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि आप इतना ट्रैवल करते हो तो आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते। सो माई फर्स्ट वीडियो वॉज ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो 2 जनवरी 2021 को मैंने वो वीडियो अपलोड करी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की वीडियोस अच्छी लगी, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। उसके बाद मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के आश्रम में गया, 1 हफ्ता वहाँ पर रहा और वहाँ की वीडियोस भी मैंने डाली, लेकिन हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, जबकि मेरा एक्सपीरियंस सदगुरु के आश्रम में बहुत ही शानदार था। उसके बाद मैं नौकुचिया ताल गया, नौकुचिया ताल के बाद गोवा का ट्रैवल हुआ, गोवा की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी चली। तो मेरा जो मिक्स रेस्पॉन्स रहा जनवरी से लेकर जून तक, उसमें कुछ वीडियोस बहुत अच्छी चल रही थी, कुछ की एवरेज रेटिंग्स कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक लर्निंग कर्व वही था, क्योंकि अचानक मेरा चैनल, मुझे लगा कि अरे जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी होती है उसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स बनाने होते हैं और आपको 4000 आवर्स पब्लिक वॉच आवर्स चाहिए होते हैं। तो मैंने देखते ही देखते, 6 महीने भी नहीं हुए थे और मेरे चैनल को अराउंड 2000 पब्लिक वॉच आवर्स मिल गए थे। और आप सोचेंगे कैसे? तो हुआ यूँ था कि जब मुझे अपने कुछ वीडियोस का रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला, मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वीडियो प्रमोशंस करूँ। जब मैंने वीडियो प्रमोशंस करी तो रेस्पॉन्सेस एब्सोल्युटली फिनोमिनल था, क्योंकि वो अचानक व्यूज़ आपके बहुत बढ़ गए थे, पब्लिक वॉच आवर्स बढ़ गए। तो इसी की वजह से मेरा जो पब्लिक वॉच आवर्स था वो सिर्फ कुछ ही महीनों में 1700, 1800, 1900 एंड 2000 पे पहुंच गया। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने पॉलिसीज में पढ़ी कि जो वीडियोस आपकी गूगल एड्स के थ्रू रन होंगी उसको पब्लिक वॉच आवर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतने लगातार वीडियोस डाले और आपको लगा कि यार अब तो बहुत अच्छा है कि बस आप 2000 पे पहुंच गए, सिर्फ 2000 आवर्स और ऐड करने हैं और आपका काम हो जाएगा। देन आई जस्ट लैंडेड एट 700 पब्लिक वॉच आवर्स और उसके बाद फिर दोबारा से जर्नी शुरू हुई। तो सोचिए कि मेरा जो दोबारा से सफ़र शुरू हुआ वो जून के बाद शुरू हुआ और फिर मैंने कोई गूगल एड्स का यूज़ नहीं किया। उसके बाद मेरा लेह लद्दाख का जो टूर था वो बहुत शानदार था। क्या वो स्वर्ग है अपने आप में? लेह लद्दाख ऐसी जगह नहीं है जो आप सिर्फ चित्रों के माध्यम से या कुछ वीडियोस देख के समझ सकते हैं। उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो नैसर्गिक सुंदरता है, वो इतनी कमाल की है कि आप उसको जाकर वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। लेह लद्दाख की वीडियोस मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली। इनफैक्ट वहाँ पर मैंने जो लद्दाखी डांस की वीडियो डाली थी उसको 25,000 अभी तक व्यूज़ मिल चुके हैं। इस तरह से गोवा में मैंने विल्डरनेस, जो एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट है, हिल स्टेशन पे रिजॉर्ट है गोवा में, लोगों को पता नहीं कि हिल्स भी हैं, तो वहाँ की वीडियोस मेरी वो बहुत अच्छी चली। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बहुत अच्छी चली। कुछ ऐसी भी जर्नी में जगह रही जहाँ की सफ़र को मैंने बहुत एंजॉय किया और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि शायद वहाँ की वीडियोस बहुत अच्छी चलेंगी, जैसे पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का मेरा सफ़र और मेरा जो पूरा ट्रैवल था, श्री अरविंदो आश्रम में रुकना, पौंडीचेरी में बीच साइड रुकना, बहुत शानदार था। मेरा पौंडीचेरी का रियली में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हालांकि वो जो वीडियोस थी वो उतनी अच्छी नहीं चल पाई। ये भी अपने आप में एक लर्निंग था कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस सफ़र को, जिस सुंदरता को आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपकी वीडियोज़ उस तरह से रन
नहीं होती। तो मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था टेक्निकली। मुझे रियली में वीडियोस कैसे बनाई जाती है, मुझे कैसे करना है, मुझे अभी भी खैर लगता है कि आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू मेक अ गुड काइंड ऑफ वीडियो। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, स्पेशली मिस्टर जसमीत, द वर्ल्ड ऑफ जसमीत के नाम से उनका बहुत ही सुंदर यूट्यूब चैनल है। जो मैंने इनिशियली जब मैं वीडियोस डाल रहा था, तो उन्होंने मुझ कोई वीडियो देखी होगी और उनको अच्छा लगा होगा, और शायद ये लगा होगा कि यार लड़का मेहनत तो कर रहा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन रीच उतनी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे कमेंट क्लिप में लिखा कि आप अपने थंबनेल जो बनाएं उसमें अपनी वीडियो डालने से पहले अपने थंबनेल में अपनी फ़ोटोग्राफ लगाएं, सो दैट कि फ़ोटो को देख के लोगों को वीडियो देखने का मन करे, वो उस पर क्लिक करें। तो इस तरह के लोग भी हैं जो आगे बढ़कर, आप उनसे मिले नहीं होते लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सो थैंक यू जसमीत जी, आपने मुझे बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी। इसके साथ ही आई एम रियली थैंकफुल टुवर्ड्स माई फैमिली, बिकॉज़ फैमिली सपोर्ट के बिना ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप टाइम निकाल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने काम के साथ साथ जब आपका प्राइमरी वर्क कुछ और हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली, और उसमें अपना चैनल भी रन करना है, तो ये बिना फैमिली सपोर्ट के कभी नहीं हो सकता। सो आई एम थैंकफुल एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे इस तरह की फैमिली मिली है। मुझे बहुत गर्व फील होता है, मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया है, ये भगवान की इस तभी इस तरह की कृपा हुई है कि कुछ टाइम के, 1 साल 4 महीने के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इस तरह से अपने आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। मुझे पूरी इस तरह से एक मोटिवेशन डेवलप हुई है कि मैं और बेटर वीडियोस क्रिएट करूं और आपके सामने लेकर आऊं, और भारत की जो सुंदरता है, भारत की सभ्यता संस्कृति है, उसको और अलग अलग तरीके से सामने रखूं। क्योंकि पता नहीं, मेरे दिल में बिल्कुल ये इच्छा है कि जिस तरह से लोग बाहर घूमने जाते हैं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का एक नाम क्रिएट किया गया है, मुझे रियली में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है और बहुत कम कंटेंट है, जबकि हमारे देश में ऐसी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सांस्कृतिक सभ्यता वाली जगह है, जहाँ पे अगर हम एक्सप्लोर करें तो वो किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कहीं ज़्यादा सुंदर है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड कीप सपोर्टिंग मी, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। एक छोटा सा गेस्चर मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ कि मेरा अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, vivektraveltales03@gmail.com। तो आप अपना एक मैसेज छोड़िएगा मुझे, वो कोई कमेंट करना हो, कुछ बात बतानी हो तो ज़रूर लिखिएगा मुझे। पहले जो 10 सब्सक्राइबर मुझे मेल करेंगे तो मैं अपना एक थैंकफुल विशेज़ उनको भेजना चाहूँगा, एक छोटा सा स्मॉल गेस्चर ऑफ माई सेइंग थैंक्स टू यू। इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू अ स्मॉल काइंड ऑफ एक्टिविटी आई वॉन्ट टू क्रिएट हेयर। तो इट इज़ फॉर द फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स हु आर सपोर्टिंग मी, इफ दे सेंड अ मेल आई विल शेयर समथिंग विद दैम, एंड डू प्रोवाइड योर फुल रेजिडेंशियल एड्रेस एंड पिन कोड, सो दैट द थिंग कैन बी कुरियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, आई एम रियली ओवरहेल्म्ड बाई द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव गॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।